के पास खाने को नहीं बचा, भूख से व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, क्या करें। और ऐसी भूख, ऐसी व्याकुलता कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप उस समय क्या करेंगे, अपने बच्चों को मार के खाते। अभी जो प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के दूसरे खंड में है सात कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में हमने थुआतीरा की कलीसिया से सीखा था प्रकाशित वाक्य दो अध्याय 21 पद तक, और आज जो हम सीखेंगे थुआतीरा की कलीसिया का यह तीसरा भाग है, इसके विषय में सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य दो अध्याय और 22 से 24 पद तक जो है हम सीखेंगे। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर पदों को पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं वे भी उसके उसके कामों में से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। 23 पद है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। 24 पद है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते हैं, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। ये जो पॉइंट है ये चेतावनी के बारे में है कि परमेश्वर का वचन जो है, जब हम प्रकाशित वाक्य दो अध्याय उसका 22 से 24 तक पढ़ेंगे तो ये जो पॉइंट है ये चेतावनी है। परमेश्वर जो है उस कलीसिया के दूत को क्या दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज जो यहां पर है, परमेश्वर का जो वचन यहां पर कहता है 22 पद में, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे उसके कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। सबसे बड़ी चीज कहते हैं, हमने किसके बारे में पढ़ा था पिछले संदेश में, हमने रानी इजाबेल के बारे में। रानी इजाबेल क्या करती थी, रानी इजाबेल जो थी वो प्रभु के लोगों से व्यभिचार करती थी, और वो क्या करती थी, वो उनको मूर्ति का चढ़ा हुआ खाना खाने के लिए वो प्रेरित करती थी, और जो नहीं करता था उन्हें मार डालती थी। इस तरीके की जो क्रिया है, इस तरीके का जो काम है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा अगर थुआतीरा के अंदर इस तरीके का काम जो है नहीं बदला गया, नहीं सुधारा गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे रोग सैया पर डालने का मतलब क्या है कि जैसा व्यवहार मैंने उसके साथ किया वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा, जैसा मैंने उसको दंड दिया वैसा मैं तुमको दंड दूंगा। यहां बड़े समझने की बात है। देखिए अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम जो है हमारे ऊपर आ सकती है। और वो क्या कहता है कि इसलिए मैं उसको बीमारी के बिस्तर पर डालता हूं जहां से वे कभी नहीं उठ पाएंगे। ये बड़ा है, जो उसके साथ क्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उसके जैसे काम करते हैं, उसके जैसे मार्गों पर चलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। देखिए कलेश क्या है, बड़ा कलेश क्या है, जो कलेश परमेश्वर की ओर से आएगा, एक बहुत बड़ा कलेश। ये कलेश, अगर आप कलेश के बहुत बड़े कलेश के बारे में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 28 अध्याय और 15 से 68 तक पढ़ लीजिएगा। परंतु मैं आपको एक चीज और पढ़ाना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 17 से 18 पद तक। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा और ये आहार हो जाएंगे और बहुत सी विपत्तियां, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत और बहुत सी विपत्तियां और कलेश इन पर आ पड़ेंगे, यहां तक कि ये उस समय कहेंगे क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराए देवताओं की ओर फिर कर करेंगे निसंदेह अपना मुंह छिपा लूंगा, परमेश्वर कह रहा है। यानी परमेश्वर क्या कह रहा है, बुराइयों के कारण। और जब ये कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपना मुंह छुपा लूंगा, मुंह छुपाने का मतलब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा, मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं उनकी सुनूंगा भी नहीं, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कहूंगा। बस विपत्तियां जो हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं वो विपत्तियां जो हैं वो उनके ऊपर क्या करूंगा, मैं भेज दूंगा। मैंने अभी आपको एक रेफरेंस दिया था व्यवस्था विवरण 28 का 15 से 68 तक।
मगर यहां पर कुछ पॉइंट जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे इसका व्यवस्था विवरण 28 का जो 59 पद है वो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। क्या लिखा है? तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा, वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। अब देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुझको और तेरे वंश को क्या अनोखे अनोखे दंड देगा। जी हाँ, ऐसे ऐसे दंड, ऐसे भयंकर दंड जो कभी आपने देखे नहीं होंगे, कभी सुने नहीं होंगे। थुआतीरा के दूत को क्या कह रहा है, समझा ले तू, इस तरीके का अगर कोई व्यवहार करेगा, रानी इजाबेल ने जो करा है उसकी नीति अगर कोई अपनाएगा, उसकी तरीके का अगर कोई चाल चलन चलेगा, तो सोच ले परिणाम क्या होंगे, अनोखे अनोखे दंड और बहुत से ऐसे ऐसे रोग जो बहुत दिन तक खत्म नहीं होने के तुम्हारे बीच में से। परमेश्वर जो है वो इस बात को कह रहा है। और दूसरी चीज, अब एक भयंकर बात और है, वो अनोखे अनोखे दंड के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। व्यवस्था विवरण 28 का 53 और 55 पद पढ़ूंगा, पहले 53 पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। तब घिर जाने और उस संकट के समय जिनमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएंगे, 55 पद, और वे उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वे आप खाएगा कुछ ना देगा, क्योंकि घिर जाने और उस संकट में जिनमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे, उसके पास कुछ ना रहेगा। अब सोचिए, शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, आप परेशान हैं, आप कहीं से नहीं निकल पा रहे हैं। अब ऐसी भयंकर स्थिति हो गई कि आपके पास खाने को नहीं बचा, भूख से व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, क्या करें, और ऐसी भूख ऐसी व्याकुलता कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप उस समय क्या करेंगे, अपने बच्चों को मार के खाते, अभी जो कलेजे से लगाए, आए मेरा बेटा, आए मेरा पुत, ओ। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर ऐसे काम करोगे, इन्हीं बच्चों को जिनको आप प्यार कर रहे हैं, जिनको वो कर रहे हैं, दुलार रहे हैं, जिनको आप डांटना तक पसंद नहीं करते, उनको काट के खा लेंगे। सोचिए क्या कैसी भयंकर स्थिति जो है परमेश्वर कह रहा है कि मैं इनके ऊपर डालने पर हूं, कैसी भयंकर स्थिति है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, आप व्यवस्था विवरण 28 का 15 से इसमें पढ़ लीजिए, बहुत से ऐसे काम है, बहुत से ऐसे श्राप है। वो कहता है कि मैं उनको शापित कर दूंगा, उनकी संतान को, उनकी टोकरी को, उनके कमाई को, उनकी हर चीज को श्राप में बदल देगा। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि वो उनके हर चीज को क्या करेगा, वो श्राप में बदल देगा। आपकी जो कमाई है, आप अपनी कमाई लाओगे मगर नहीं चलेगा, आपकी कमाई गई तो कहां गई। देखिए भयंकर रोग की बात कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, इसका 27 और 28 पद पढ़ेंगे इसी का, व्यवस्था विवरण का। यहां क्या लिखा है, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि ऐसे ऐसे रोग देगा, बवासीर, दाग, अंधा, पागल बना देगा आपकी ऐसी स्थिति, मतलब इतना मेंटलिटी आप मेंटल हो जाएंगे बिल्कुल। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बता रहा है कि क्या क्या परमेश्वर जो है करने जा रहा है। और इसलिए जो है वो बहुत से और भी बहुत से रोग है, जब आप व्यवस्था विवरण 28 को जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा छाय रोग है, बुखार है, और सूजन है, जलन है, तलवार से मार डालेगा, झुलझा देगा आपको, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि आपको आपका पीछा करेंगे, आपको सत्यानाश कर देंगे, आपको बहुत चीज है, पानी के बदले बालू आपको मिलेगी, आपको पानी तक नहीं मिलेगा, बहुत से कलेश जो है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बहुत से कलेश आपके जीवन में जो है वो उत्पन्न होंगे यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करेंगे। थुआतीरा की कलीसिया को सख्त तरीके से ये संदेश दे रहा है, थुआतीरा के जो दूत है उसको बता रहा है, देख समझ जा, संभाल ले तू अपने आप को और अपने लोगों को, नहीं तो ये परिणाम जो है ये भुगतने पड़ेंगे। और ये मत सोचिए कि ये थुआतीरा के लोगों के लिए है या उसी समय के काल के लोगों के लिए है, ये आज के लोगों के लिए भी है। अगर आज हम परमेश्वर से दूर होते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं तो परमेश्वर जो है ऐसे ही करेगा। प्रकाशित वाक्य 2 का हमने 22 से 24 तक पढ़ा था, अब 23वां पद जरा ध्यान दीजिएगा। 23वें पद में क्या लिखा है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं हूं, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला लूंगा।
क्या कह रहा। देखिए ये जो होगा, अब बहुत से लोग पता क्या कहते हैं, अरे यार किसने देखा, जब इंसाफ होगा तब होगा। वो फाइनल इंसाफ की बात नहीं कर रहा। देखिए जो कुछ भी होगा न्याय परमेश्वर का, पहले इस पृथ्वी पर होगा, पहले वो उसका दंड जो है वो देगा, एहसास करवाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है कि तुम जो हो आपकी झील के भागीदार हो गए हो। और वो क्या करेगा, तुम तुम्हारे सामने जिन बच्चों को तुम प्यार कर रहे हो, जिन बच्चों को दुलार रहे हो, जिन बच्चों की तुम रोना नहीं, अरे भाई क्यों रो रहा है, इसे चुप कराओ ना, क्यों रोने देते हो, दे दो। आपने क्या, बच्चा जिद पकड़ गया, रोने लगा, आपने मोबाइल उठा के दे दिया, आपने कोई भी चीज उठा के दे दी, आपने कीमती से कीमती चीज उठा के दे दी, तोड़ दिया, आपको कोई वो नहीं है। मगर क्या है कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो। तो यहां पर कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। परमेश्वर कह रहा है मार डालूंगा, फिर आप क्या करोगे, रोते रहोगे, क्या करोगे, ले जाओगे, रोते रोते ले जाओगे, बच्चों को दफन कर दोगे, गाड़ दोगे। ऐसी स्थिति जो है, परमेश्वर क्या कह रहा है, वो ऐसी स्थिति जो है बात कर देगा। मगर 24 पद जरा ध्यान दीजिएगा, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते हैं, वो कहता है कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। देखिए जो रानी इजाबेल के समान वो शिक्षा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालूंगा, है कोई भी नहीं, तुम्हें जो है परमेश्वर कह रहा है शांति दूंगा, और परमेश्वर जो है वो तसल्ली देगा। जब हम इन पदों को इंग्लिश बाइबल के साथ जो वहां पर है शिक्षा की जगह हम पढ़ते डॉक्ट्रिन शब्द आया है, यहाँ पर शिक्षा शब्द आया है, मगर जब इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, यानी परमेश्वर के सिद्धांतों को नहीं मानेंगे तब तक तो है, तो हमारे पास ऐसी भयंकर विपत्तियां होंगी। जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों को मानते हैं तो परमेश्वर जो होता है बहुत खुश होता है और हमें जो है क्या करता है, बहुत सी आशीष देता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें परमेश्वर के जो सिद्धांत हैं हमें उनको मानना चाहिए। अब क्या है, क्या बहुत सी चीजें हैं, देखिए क्या होता है, वचन के सिद्धांत की बात करते हैं, जब हम वर्शिप की बात करते हैं, सिद्धांत करते हैं, बत्तीसवें की बात करते हैं, भविष्यवाणियों की बात करते हैं, तो जब हम इन सिद्धांतों की बात करते हैं, इंसान ने अपने वर्शिप के अपने सिद्धांत बना लिए हैं, चर्च जाए ना जाए या हमारे ऊपर डिपेंड करता नहीं, जब परमेश्वर ने नियम बनाया प्रार्थना करें ना करें या हमारे ऊपर डिपेंड करता है, करना है नहीं करना है, जब मन चाह कर लिया, जब मन चाह चर्च चले गए, जब मन चाह बाइबल पढ़ ली, तो ये हमारे अपने सिद्धांत बनाए हुए हैं। परमेश्वर कहता है कि ऐसे सिद्धांतों से परमेश्वर जो है वो खुश नहीं होता है। हमारा कोई भी खाने, परमेश्वर ने हर चीज का सिद्धांत बनाया, खाने पीने का सिद्धांत बनाया, भविष्यवाणी का है, झूठी झूठी भविष्यवाणियों के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं, लोग अपने तरीके से बाइबल के अंदर जो 32वां लिखा वो नहीं मान रहे हैं, आप साहब कोई भी 32वां ले लो, हाँ साहब यह जो पादरी ने बता दिया वो सारी चीजें। अब देखिए यहां पर क्या, जब यिर्मयाह 2 अध्याय उसका 13वां पद पढ़ेंगे, यहां पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, यिर्मयाह 2 अध्याय उसका 13वां पद, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं समाता है। कौन सी 2 बुराई हैं, पहली मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है, यीशु मसीह जो बहता हुआ जल का सोता है, यीशु मसीह जिसने हमें अपने सिद्धांत दिए हैं, उसके सिद्धांतों को त्याग कर हमने अपने सिद्धांत बना लिए हैं, उसकी शिक्षाओं को त्याग कर हम अपनी शिक्षाओं के ऊपर जो है निर्धारित हो गए हैं, त्याग दिया है। दूसरा है उन्होंने अपने लिए हौद बना लिए हैं, ये हौद अपने लिए जो बनाए, अब ये हौद कौन से है, ये साहब ये हौद इन्होंने जो अपनी अपनी कलीसियाएं बना ली है, नहीं साहब मसीह तो हमारे पास है, मसीह की शिक्षा हमारे पास है, मसीह हमारी कलीसिया में है, और आप उनमें मत जाइए, आप उस पादरी को मत बुलाइए, आप उस कलीसिया में मत जाइए, क्योंकि वहां मसीह नहीं है, मसीह हमारे पास है, सारी आत्मिकता हमारे पास है, ये हौद बना लिए। आप बता सकते कि क्या मसीह किसी एक कलीसिया का है, हम जब ये कहते हैं मसीह एक कलीसिया की तो बात छोड़ दीजिए, मसीह हिंदू का भी है, मसीह मुसलमान का भी है, मसीह सिख का भी है, मसीह ईसाई का भी है, मसीह कहीं बटा हुआ नहीं है, जैसा वो एक ईसाइयों से प्यार करता है वैसे ही वो हिंदुओं से भी प्यार करता है, मुस्लिम से भी प्यार करता है और सिख से भी प्यार करता है, वो सभी से प्यार करता है, ये नहीं कि वो सिर्फ ईसाइयों से प्यार करता है, अगर उसको कोई भी हिंदू मुसलमान सिख अगर वो पुकारेगा अपनी सहायता और मदद के लिए तो यीशु मसीह उसकी सहायता और मदद के लिए खड़ा होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो चीजें हैं थुआतीरा की कलीसिया को सख्त तरीके से परमेश्वर बताना चाह रहा है
कि मैं रोक पर डाल दूंगा। आज भी वही स्थिति है, अगर आज हम इस तरीके से अपने को नहीं बचाएंगे, परमेश्वर के सिद्धांतों को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार काम नहीं करेंगे, तो सोच लीजिए कि हम किसके, हम शैतान की शिक्षाओं पर आधारित हैं, झूठी शिक्षाओं पर आधारित हैं, झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीहों की शिक्षाओं पर, उनके सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिससे परमेश्वर खुश नहीं है और हमारे परिवार में और हम पर रोक डालने के लिए। तो आइए हम परमेश्वर के सिद्धांतों को माने जो परमेश्वर कहता है, ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हम पर, हमारे परिवार पर बनी रहे और हम थुआतीरा के उन लोगों के समान ना हो जो प्रभु के सिद्धांतों को नहीं मानते। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।